भाई साहब, अक्सर आपने अपने घर में देखा होगा जो प्रेशर कुकर होता है वो सीटी तभी मारता है जब उसके नीचे से कोई आग जलाया जाए या फिर हीटिंग किया जाए। लेकिन आज हम बिना हीटिंग किए बिना आग जलाए प्रेशर कुकर में सीटी लगाकर आप लोग को दिखाएंगे। तो इस वीडियो का जो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिएगा और इस ट्रिक को जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा ड्रेन क्लीनर का और एक बाटल का और एक प्रेशर कुकर का। उसके बाद इस बाटल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और उस पानी में डाल देंगे ड्रेन क्लीनर को। ड्रेन क्लीनर हवा के संपर्क में आते ही रिएक्शन करने लगता है, तो सबसे पहले ड्रेन क्लीनर को इसमें डाल देते हैं। तो गाइस अगर गलती से भी ड्रेन क्लीनर प्रेशर कुकर में गिर जाए तो प्रेशर कुकर जाए जो खराब हो सकता है, तो इसे बच के उसके बाद इस ड्रेन क्लीनर में डाल देंगे एल्युमिनियम पेपर को। एल्युमिनियम कोई भी मेटल हो सकता है। ड्रेन क्लीनर के संपर्क में आते ही एल्युमिनियम रिएक्शन करता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब ये रिएक्शन करेगा उसके बाद इस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो गाइस आप लोग देख लो ये प्रेशर कुकर बिना कोई हीटिंग के सीटी मार रहा है। तो गाइस आप लोगों ने देखा बिना किसी हीटिंग के बिना कोई आग जलाए जो प्रेशर कुकर था वो सीटी मारना चालू कर दिया था। वो कैसे हुआ, हमने उसमें डाला था ड्रेन क्लीनर बॉटल में करके। ड्रेन क्लीनर में डाले थे एल्युमिनियम और जो ड्रेन क्लीनर होता है उसमें कास्टिक सोडा का मात्रा ज़्यादा होता है और कास्टिक सोडा और एल्युमिनियम संपर्क में आते ही रिएक्शन करते हैं जिसको वजह से हाइड्रोजन गैस निकलते हैं और हाइड्रोजन गैस बनने के कारण ज़्यादा होने के कारण अपना जो कुकर था प्रेशर कुकर वो सीटी मारना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।